आज राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट पेड़े बनाने जा रहे हैं जो कि केवल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे, वो भी बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना चाशनी के। और ये पेड़े हम केवल 3 चीज़ों से बनाएंगे जो कि सबके घर में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कटोरी भुने हुए चने का आटा लिया है। ये आटा मैंने इस तरह के चने को अच्छे से साफ करके पीस करके बनाया है। 1 कटोरी पीसी हुई चीनी ली है, 3 छोटा चम्मच मैंने घी लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अब हम ये जो घी है वो एक बाउल में ले लेंगे, 3 चम्मच लेना है। चीनी इसमें ऐड कर लेंगे। इस घी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। इस घी को हम लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये स्पंजी नहीं हो जाए। इस घी को देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी फ्लफी हो चुका है। इसे थोड़ा सा और चलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह एकदम हल्का हो चुका है। अब हम हमारा जो आटा है चने का, जिसे हम सत्तू भी कहते हैं, वो इसमें ऐड कर लेंगे। ये आटा इसमें ऐड कर लेंगे, धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे, धीरे धीरे करके इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमारा ये बचा हुआ आटा है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स करेंगे इसको। अगर आपको थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें घी कम लग रहा है, तो आप इसमें 1 या आधी चम्मच घी और मिक्स कर सकते हैं। ये हमारे पेड़े का जो आटा है मिक्सर है, हमने अच्छे से इसे गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ तोड़ेंगे और इस तरह से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से गोल गोल करके अच्छे से पेड़े बनाएंगे और इसे इस तरह से गार्निश कर लेंगे। मैंने इसे बादाम से गार्निश किया है। अगर आप चाहे तो इसे पिस्ता, किशमिश, आपके मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। और इस तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये सारे पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जितने ये सुंदर दिख रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आज ही ट्राई करिए और घर में इसे ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।